हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ढाबे जैसी दाल फ्राई कैसे बनती है। बहुत इजी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कप अरहर की दाल ली है, एक कप मैंने मूंग की दाल ली है और उसको धो के अच्छे से पानी से धो के आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगाने के लिए रख दिया है और आधे घंटे के बाद इसको फिर बॉयल भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है, आधा चम्मच मैंने उसमें जीरा डाला है। जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्ची, एक कली लहसुन और हरी मिर्ची मैंने इसमें डाली है। तीन हरी मिर्ची डाली है इसमें अच्छे से काट के, और उसके बाद मैंने प्याज डाले हैं, दो प्याज डाले हैं इसमें, और उसको अच्छे से ब्राउन होने तक के लिए पका रही हूँ मैं। और उसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्ची डाली है, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है इसमें, और इसमें मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला आधा चम्मच, एक चम्मच सूखा धनिया डाल के अच्छे से घुमा रही हूँ। और टमाटर दो मैंने चॉप ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है, और मैंने जो बॉयल की थी दाल वो भी मैं डाल रही हूँ उसमें। थोड़ा पानी डाल के अच्छे से फिर दाल डालना है इसमें जो मैंने बॉयल की थी, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, अच्छे से घुमाना है और थोड़ा सा और पानी जाएगा, और इसको सिम गैस पे ढक्कन लगा के रखना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छे से फिर घुमाना है, नहीं तो नीचे तला लग जाता है। अब दाल हमारी रेडी हो गई है, सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम हरे धनिया से गार्निश कर देंगे, और पहले बटर डालेंगे इसमें, अमूल बटर डाल के और हरा धनिया डाल दें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।